पाकिस्तान बॉर्डर 1 किलोमीटर। ये ध्यान नहीं रहा, ये घुस गया इसके अंदर। फाइनली अपना आ गया डिनर। क्या क्या ऑर्डर किया था भाई अपन ने? दाल मखनी और मटर पनीर और भाई एक फुल दाल फ्राई। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं बस, सारे उठ चुके हैं। ये देखो वो भाई काम पे लगे उठते ही, और ये भाई लोग। और कितने बजे सोए थे अपन? 3 बजे। अबे 6 बजे सोए थे बस। और भाई उठ चुके हैं फाइनली, फ्लैश भी जल्दी अभी भी। और मॉर्निंग व्यू देख लो बस, मार्केट का क्या हाल है, थोड़े कंजस्टेड वाली। दिल्ली में अपन ने होटल लिया था, आगे से लेफ्ट लेकर गोल्डन टेम्पल ही है। तो भाई फटाफट से ना फ्रेश व्रेश होते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं बस। सो भाई टाइम फॉर लीव दिस होटल, चले भाई। ये भाई मेरा फुर्सत ही नहीं है, चलो चल। फ्रेंड्स फाइनली निकल चुके अपने होटल से, हमने कर लिया है चेकआउट और अभी हम तंग गलियों में। ब्रेकफास्ट के नाम पे कुछ भी नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं, नथिंग, इवन चाय भी नहीं पी अभी। तो एक टेस्ट हॉल में रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं और दिल्ली के लिए निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग डिस्टेंस यहाँ से भी 500 है, 500 किलोमीटर से समवेयर। वैसे तो है 506 किलोमीटर यहाँ से और अपना घर। तो भाई ऑलमोस्ट और ट्रैवलिंग टाइम शो करा है ऑलमोस्ट 8 आवर्स। तो हमें हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है डिस्टेंस को कवर करने में। वैसे अगर हम गूगल मैप की टाइमिंग की बताएं तो हमें शो कर रहा है जैसे कि अभी 12 बज रहे हैं, तो 8 o'clock का पहुंचने का बता रहा है। बाकी देखते हैं बस, लेकिन उससे पहले चाय ज़रूर पियेंगे बस, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना थोड़ा सा डाउन हो गया है और मोटिवेशन भी। खैर मन तो किसी का नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि दूसरी ट्रिप भी तो विदाउट करना है। अब भाई निकलते ही जाऊँ, ये देखो भाई तंग गलियों पे जाऊँ। फ्रेंड्स ये जो आप रोड देख रहे हो ना, और ये जो ट्रैफिक, कल रात में जब हम अब अपने एमएम महेंद्र भाई के लिए लेने गए थे ना पेस्ट्री या केक, तो ये रात में एकदम खाली था, सुनसान वीरान पड़ा था। और अब ट्रैफिक तो भाई रज रज के हो रखा है इस वाले रोड पर। हम टोटल मतलब अपने होटल से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर्स की, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर की थी, और हम 5-7 मिनट में पहुँच भी गए थे। अब हमें मोर देन हाफ एन आवर हो गया है और अभी तक नहीं क्रॉस कर पाए हम रेलवे स्टेशन, देख लो बस। और डे मोड कुछ इस तरह के, मार्केट्स वगैरह खुलने वाली है और बहुत सी खुल भी चुकी हैं। फ्रेंड्स ये वाला आपको तो टोल देके कुछ याद आया तो अब देख लो कहाँ जा रहे हैं। चाय लगवा जब तक। तो फ्रेंड्स एक जगह हमने स्टॉप लिया है, बेसिकली कहाँ लिया है, एक टोल है, टोल देके गैस करो कि हम कहाँ पर आए हैं अभी। ये वाला टोल देख रहे हो, बेसिकली ये टोल है अपना अटारी बॉर्डर वाला। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद अटारी बॉर्डर शुरू होती है। तो भाई जाते जाते प्लान बना के बॉर्डर देखते हुए जाएंगे। हैं बिल्कुल, घर जाने के लिए निकले थे, अटारी बॉर्डर देख कर आते हैं एक और बार। प्रेड नहीं देखनी, बस बॉर्डर देख कर आना है। वाह भाई वाह, है भाई मंगू बॉर्डर देखने जा रहा है। ऐसे दोस्त तो कभी घर जाने ना दें ये। हैं बे, अच्छा भला घर जा रहे थे। चलो कोई नहीं यार, अब रुके चाय पीते हैं। और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से अटारी बॉर्डर के लिए, तो बॉर्डर सिंपली परेड तो देखनी है, सिंपली देख के आते हैं। तो भाई चलो चाय पीते हैं, चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली अपनी आ गई चाय, और पकौड़े मंगाए अपन ने मिक्स। और भाई अगेन भाई हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो भाई की ट्रेडिंग वगैरह चेक करनी पड़ती रहती है। खैर IOSL के साथ स्टॉक भी संभाल रहे भाई आजकल। आप किसी को भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कांटेक्ट दीजिए, मैं कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा भाई।
और मेरा उसमें 10% अलग से है, वो देख लेना आप। ठीक है, तेरा भी 10-20% देने होंगे एक्स्ट्रा जी आपको बस। चलो भाई चाय वाय पीते, पकौड़े खाते और बॉस से फटाफट भागा उठ रहा, घर भी निकलना है बॉस। यार कब ब्लॉग एंड होगा हमारा, यार कब पहुंचेंगे हम घर। तो भाई फ्रेंड फाइनली अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट, मतलब चाय वाय, तो आप निकलते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये है जीटी रोड जो सीधा अमृतसर से शुरू होता है और लाहौर तक जाता है, स्ट्रेट है पूरा स्ट्रेट, जो अमृतसर से तकरीबन 30 किलोमीटर का हाईवे जो सिर्फ इंडिया में आता है, उसके बाद वो पाकिस्तान की पाकिस्तान का लैंड शुरू हो जाता है। तो मतलब ये लगा लो आप कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो सीधा तो लाहौर पर ही जाके रुकता है वाला रास्ता। और अगर देखा जाए इसके पैरेलली लेफ्ट पे ही रेलवे ट्रैक चल रहा है, जिस पे एक टाइम पे समझौता एक्सप्रेस चलती थी, जो भी काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुकी है, और इवन बस भी नहीं चल रही जो सीधा बाघा बॉर्डर से जो दिल्ली जाती थी। लेकिन अगर एक चीज़ वो दिखाता हूँ, अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा तो। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था, अब दोनों फ्लैग देखो, वो है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, अभी एक बॉर्डर शुरू हो जाएगा मतलब बैरिगेटिंग वगैरह, और जो फ्लैग देख रहे हो ना भाई, ये एक्सपीरियंस बड़ा अल्टीमेट वाला लग रहा है, यही देखने के लिए हम आए हैं। आज भाई देखो जो इंडियन फ्लैग है वो इंडिया की लैंड पर है, और जो आप पाकिस्तानी फ्लैग देख रहे हो पाकिस्तान की लैंड पर है। बस ये वाला एक्सपीरियंस भाई अलग ही कुछ है भाई, सैल्यूट। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं मोबाइल अपना हटा रहा हूँ, यहाँ पे अब लैंड शुरू हो जाएगी मतलब बैरियर्स। पाकिस्तान बॉर्डर 1 किलोमीटर, ये देखो भाई फ्लैग, ये वाली भाई बढ़िया लग रही है यार विजय यार, ये इससे 10 किलोमीटर की दूरी से ये फ्लैग दिखने लग जाता है। ये देखो भाई हम आ गए अब लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो फ्रेंड्स कल हमने पार्किंग कटवाई थी तो 120 कटी थी, अब इसे 24 रुपये लगे और 24 रुपये मात्र। हम अब ऊपर लेके चल रहे हैं, ऊपर लगाएंगे क्योंकि यहाँ से बॉर्डर दिखता है वहाँ। ये आप देख रहे हो एक गाड़ी नहीं लगी हुई, एक गाड़ी नहीं लगी हुई। अब यहाँ से क्लोजअप देखो आप, इंडिया पाकिस्तान, अब ये इंडियन फ्लैग जो है इंडिया की लैंड पे, और वो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की लैंड पर। और फेंसिंग वगैरह दिखा देगा, पार्किंग लगा के पार्किंग करते अपनी कार। तो फ्रेंड फाइनली पहुँच गए हैं हम अटारी बॉर्डर। अच्छा मैं कल भी आए थे और फिर से हम दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तो एक बार देखा, एक बार विजिट किया जाए बस। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, तो एक बार आपको साइड में चल के दिखाते हैं। ये देखो बस क्लोज अप व्यू। और फ्रेंड्स ये कल पार्किंग पूरी भरी पड़ी थी, और फिलहाल सिर्फ हमारी गाड़ी लगी है यहाँ पे, हमारी ही। और एक बार नीचे दिखाते हैं, कोई लोग वगैरह नहीं दिख रहे और कोई भी नहीं आया, वो सिर्फ एक टेम्पो ट्रैवलर आई हुई है, और बेसिकली इसके नीचे पार्किंग करी थी, हमने ऊपर कर दी क्योंकि हमें ये वाला व्यू चाहिए था। और ये वाला जो रास्ता है लेफ्ट के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होता है, वहाँ के बाद फिर अंदर एंट्री होती है। ये अपना है रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग फन जोन वाला एरिया, जहाँ आपको फूड कोर्ट वगैरह मिल जाता है। और एक चीज़ वो दिखाता हूँ मैं आपको, फेंसिंग वगैरह। सो फ्रेंड्स ये है फाइनली क्लोज अप व्यू अपने इंडियन फ्लैग का, और वो है पाकिस्तान के फ्लैग का। और ये जो आप फेंसिंग देख रहे हो ना, ये तो खैर इंडिया की है, लेकिन आगे जाके वो वाली जो मेन फेंसिंग है ना, ऐसे जो कि आगे की तरफ जा रही है फेंसिंग है, उस साइड जो है बेसिकली वो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाद जो है पाकिस्तान है, और फेंस और LOC की इस साइड है इंडिया। तो भाई ये वाला अपना फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस है बस सच में। और यहाँ पे अभी एंट्री शुरू नहीं हुई है, 3 बजे से एंट्री शुरू होगी, और परेड जो होती है वो 5 बजे से शुरू होती है, जो एवरीडे परेड होती है। वो जो आप देख रहे हो ऑडिटोरियम, बेसिकली वहाँ पे सब स्टेडियम है बेसिकली, वो वहाँ पे बैठ के जो देखते हैं, जो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा था, ये बड़ा वो ये एक्सपीरियंस एक अलग ही है।
और देखा जाए तो एलओसी के दोनों साइड ही खेती हैं जहाँ खेती वगैरह होती है। तो फ्रेंड्स अब टाइम फॉर लीव क्योंकि हमने परेड तो देख ही ली थी, परेड तो अपन ने देख ली थी विजय, परेड तो हमने देख ली। अब दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, हमें बस ये वाला व्यू देखना था क्योंकि जब हम शाम को आए थे तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा था भाई हमें, तो बस ये वाला देखना था एलओसी। बाकी चलो भाई चलते हैं दिल्ली पहुंचते हैं। और अपना वैसे नो डाउट यार लास्ट व्लॉग है ना काफी लेंथी होने वाला है बस। हाँ बहुत यार, और इसमें हमें बहुत मेहनत भी लगने वाली है एडिट एडिट करने में। ये हमारी बैकएंड टीम का वो है जो देखता है हमारा महेंद्र, देख रहा सर। हाँ BTS वगैरह भाई यही लेता है, बी रोल वगैरह भाई यही लेता है, GST वगैरह वो GST कौन लेता है मैम, GST कौन लेता है, आईओ से बड़ा GST वाला है ना, GST लेता है। और ये खड़ी का यहाँ से देखते कितनी है और ये मशीन जो भी यहाँ से, तो मोर देन 550 किलोमीटर है। चलो भाई चलते, ये मशीन लेता है, ये मशीन लेता है, चलो भाई चलते हैं। फ्रेंड्स ये देख लो हमने इस वाले पार्किंग में कार पार्क करी थी जो बिल्कुल ही खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है। अभी आप ये 2-3 घंटे बाद देखोगे ना कम्प्लीटली भर चुका होगा वो कम्प्लीटली, कितने और देखा जाए तो बहुत सारे विजिटर्स आते हैं यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे चेकआउट कर ही लिया अपन ने, लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग शाही किला। चलो भाई एंड फ्रेंड्स ये है ब्यास रिवर का ब्रिज जिसके वजह से ट्रेन जा रही थी वो गायब हो गई, मिस कर दिया हमने वाला प्रॉपर। अच्छा। पंजाब में कहीं रुके थे हम पॉल्यूशन कराने के लिए, ये ध्यान नहीं दिया, ये घुस गया इसके अंदर, करते हैं भाई इसको ठीक है। भाई स्क्रू ड्राइवर है कोई सा, ये बड़ा तगड़ा सीन, ये बड़ा खतरनाक है। तो फ्रेंड कॉलेज के चक्कर में जो सीन हुआ था, ये वाला पाइप लगा था अपने इसमें तो ये टूट गया था, तो भाई भाई इंजीनियरिंग चल रही है, भाई की इंजीनियरिंग अब काम आ रही है, टूट गया। हम 5 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई नट खोल रहा है, कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर आ रहा है, ये वाला शाके वाला, एक भाई हमारा पहले क्यों लेने गया हुआ है। भाई फाइनली फिक्स कर दिया, बेसिकली वो पाइप पहले यहाँ पे लगा था, नहा लग के इधर लग गया तो टूट गया था, वापस जुड़ गया और अब निकल रहे हैं। बाकी इन सब भाइयों ने बड़ी मेहनत करी जोड़ने के लिए, 1, 2, 3 और वो 4 और मैं तो थाई जी, अब गन्ने का जूस पी रहे हैं। और यहाँ से दिल्ली है 410 किलोमीटर, जलंधर 33, चंडीगढ़ 187, अम्बाला 209 और दिल्ली है 410 किलोमीटर। चलो जी चल देने, पहले पीते हैं गन्ने का रस। सो फ्रेंड टाइम फॉर अपडेट, अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है प्रो, 6:41 हो रहा है और महेंद्र अभी चला रहा है, ट्रैफिक में मैंने दी इसको अभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत दिमाग खराब कर रहा है। और अभी है हम कहाँ है भाई, लुधियाना क्रॉस करा अभी हमने, लुधियाना क्रॉस, और यहाँ से अम्बाला समवेयर 70 किलोमीटर है और जाम देख लो, बस लास्ट हाफ एन आवर से हम इसी ट्रैफिक में है, बस दिमाग खराब है, मैंने कहा यार थोड़ा रेस्ट करूँ भाई ऑटोमेटिक, लेकिन भाई क्या करें एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं। और ऑलमोस्ट अभी भी डिस्टेंस जो है ना, अभी भी डिस्टेंस शो कर रहा है 270 किलोमीटर और 5 hours 20 minutes शो कर रहे हैं यार, और टाइम 6:40 हो गया, सोमवार 11-12 बजे पहुंचेंगे, घर वालों का भी कॉल आ रहा है, नाइट ड्राइविंग अवॉइड करेंगे, लेकिन फिर भी हमें लगा हम पानीपत तक होंगे जब रात अंधेरा होगा, लेकिन अभी हम हैं लुधियाने क्रॉस कर रहे हैं हमने। खैर कोई नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और फटाफट से जाम क्लियर करते हैं यार। और हमने ना लंच भी नहीं सही से किया, कहीं अच्छी जगह रुक कर करेंगे लंच, मतलब लंच क्या डिनर ही होगा अब हमारा, और फिर आराम से फिर घर पहुँच गए। सो फ्रेंड फाइनली अपन हम हरियाणा एंटर कर चुके हैं अम्बाला में, आई मीन अब पंजाब यहाँ से ख़त्म होता है और ऑलमोस्ट डिस्टेंस 200 किलोमीटर की रह गई है और टाइम भी हो गया 7:44। अब भाई विजय रुकते कहीं खाते हैं यार। हाँ भाई भूख बहुत लगी हुई है क्योंकि हमने सब पता है ना ब्रेकफास्ट ही करा, ब्रेकफास्ट भी कहाँ ही करा हमने, भी क्या है वो पकौड़े बस खड़े थे और उस वक्त लंच भी नहीं हुआ, अब डिनर ही करेंगे ओवरऑल। चलो मैं तो ये कह रहा तुम्हारा छोड़ो मेरा देखो, कुछ खाया भी नहीं मैंने तो। हाँ भाई पिछले 2 दिन से कंटिन्यू ड्राइव कर रहा है, कहीं इसने गाड़ी नहीं रोकी, ना कुछ खाया ना पिया, बस हवा जी के हवा और गाली खा के चल रहा है भाई। थैंक यू भाई सो मच। तो फ्रेंड फाइनली कुरुक्षेत्र सॉरी करनाल पहुंच चुके हैं अपन, और इस बार रुके हम ढाबे पर और पक्के ढाबे पर, यह है श्री कृष्णा वैष्णो ढाबा
जहाँ हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर अभी करने वाले हैं और ये अभी लड़ी रहे। फ्रेंड्स ये है प्रॉपर ढाबा और ढाबे में रुकने के लिए हमें ये वाली वाइफ चाहिए थी, चारपाई खटिया कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपके रीजन में, आपकी सिटी में कमेंट करके जरूर बताना। तो इधर अपनी डाइनिंग लग रही है बॉस, खटिया चारपाई में और खाट खटिया चारपाई, ये तीन चीज़ें बोलते हैं हमारे यहाँ। तो भाई आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर करके कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई आज ये वाली वाइब लेते हैं और एंड फ्रेंड ठंड आ चुकी है, बहुत ठंड आ चुकी है, ठंड का एहसास हो रहा है। टेम्परेचर 24 हो रहा है गाड़ी में। और चलो एक बार फटाफट, ऑलमोस्ट 9 o'clock हो चुका है और यहाँ से सुन रहे जर्नी हमारी 80, 90, 100 है, अंडर 100 ही रह गई है, 90-100। फटाफट से भाई ऑर्डर कर दिया है, डिनर आता है करते हैं और भाई चलते हैं अपने घर और जर्नी भी आज एंड करते हैं। नो डाउट आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, मतलब हो गया है। फाइनली अपना आ गया डिनर, क्या क्या ऑर्डर किया था भाई अपन ने? दाल मखनी और मटर पनीर और भाई एक फुल दाल फ्राई है। चलो कोई नहीं, ब्रामा बढ़िया है। तो भाई ये वाली वाइब मस्त आ रही है, बस इधर बैठते हैं, टाइम लैप्स लगाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली अपना डिनर कंप्लीट, मजा आया बस। काफी टाइम बाद ढाबे का ट्राई करा, जो रियल ढाबा होता है जो ट्रक लगते हैं, ट्रक देख रहे हो आप जहाँ वो लगते हैं, तो वहाँ किया अपन ने डिनर। और अब बिना किसी देरी के घर पहुँचते हैं और ट्रिप को अपनी एंड करते हैं। फ्रेंड फाइनली टाइम फॉर अपडेट, टाइम हो रहा है अभी 1:55 ऑलमोस्ट, 12:55 पहुँच गए घर, मतलब गाड़ी साइड ही लगा रहे हैं अपन। भाई बहुत मस्त जर्नी रही, बाकी दो सवारी हो रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। पूछो भाई, पूछो उनसे, पूछो यार। ये जो हमारी जर्नी थी ऑसम थी, बट हमें एक चीज़ का अफसोस हुआ, जब हम वापस आए थे हमारा मन नहीं होता हमें कि वापस हम आए, बट मजबूरी थी खाना। बट इस ट्रिप पे हमें जो भी जो पहले से पहले जो ट्रिप थी उससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने का मिला। और हमारे साथ ये बने हुए हैं विजय जी, हमी बने हुए हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इस जर्नी का, पर यही है कि बस मन नहीं कर रहा था। हम बेसिकली हमने प्लान भी कर लिया था कि एक जगह और चलते हैं, मगर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन लग रहा होगा क्योंकि भाई सब थक चुके हैं। अब इतना ट्रैफिक मिला, हम 12 बजे निकले हुए और अभी 1 बज गए है। तो भाई हमें पता है कितना टाइम लग गया आने में, 13 घंटे, यू वॉन्ट बिलीव, 500-600 ऑलमोस्ट, नहीं 500 किलोमीटर की जर्नी थी, 500 किलोमीटर को 13 घंटे भाई, इतना टाइम है। तो मनाली से आ जाता है, खैर जो भी है बड़ा मस्त एक्सपीरियंस था वो। तो फ्रेंड ट्रिप यहीं पर एंड होती है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। तो आपसे मिलते हैं अब किसी अनदर रोड ट्रिप वाले ब्लॉग में या किसी अनदर ब्लॉग में। So till then, bye bye and take care.